लड़ते हुए विपिन अग्रवाल ने अपनी जान दी है, तो इन्हें भी इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए, उनके जीत का हिस्सा बनना होगा। सबको मार देगा, यहाँ दुश्मन लग गया उसके पीछे। जब प्रशासन हो चाहे पब्लिक हो, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चांस हो गया 6 महीना के अंदर में। इस हत्या किया इस लड़का ने, पूछिए एसपी साहब से क्यों नहीं बैठ के, जबकि एसपी को फोन करके गया लड़का, समय नहीं था, नहीं बुलवाते, क्यों नहीं बुलवाए, क्यों नहीं अनादर किए मेरे बच्चा का। आज ये मेरे पीछे जो सैकड़ों लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि अगर इनके लिए लड़ते हुए विपिन अग्रवाल ने अपनी जान दी है, तो इन्हें भी इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए, उनके जीत का हिस्सा बनना होगा। अगर उन्होंने कोई अभियान शुरू किया था तो उसे जीत तक लेके जाने की जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों की भी है, ताकि विपिन अग्रवाल की आत्मा जब भी देख रही हो तो उसने जो परिकल्पना की थी वह साकार होता हुआ दिखे। और आज एक और घटना निश्चित रूप से चिंताजनक है, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लोगों को जागृत होना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। मैं अभिनव, बिहार आज तक से। जी, में इस तरह की वारदात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप, तो स्थानीय लोग हैं। जी, अपराध का निरंतरण बढ़ चुका है, और हरसिद्धि में एक आध दो भ्रष्ट पदाधिकारी थे, जिसके चलते हरसिद्धि की जनता यह मार और दुख से झेल रही है। मुझ पर भी गोली चला था। आप पर भी गोली चली थी? जी, 13 जुलाई के गोली चला, शाम में हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, अपराधी गए, 9 गोली चलाए जिसमें 8 गोली किच कर गया, 1 गोली मुझको इस पर लगा, उसके बाद इलाज बात हुआ। गरीब के बहुत मसीहा हैं, बहुत मदद किए हैं, जिसके चलते ऊपर वाले ने देखा जी ऐसा आदमी अगर मर जाएगा तो यहाँ का कल्याण कैसे होगा। मतलब आप उस हमले से बच गए? हमले से बचे, लेकिन मेरे इसी तरह हमला यहाँ हुआ जिसमें मुझको मिलाकर 8 आदमी पर गोली चला था, जिसमें 7 आदमी स्पॉट डेथ कर गए। 7 लोग मर चुके हैं? मर चुके हैं। अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, यहाँ पे आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की बात हो रही थी, तो विपिन अग्रवाल की जब हत्या हुई थी उस विषय में आपको कुछ जानकारी है? जी, विपिन अग्रवाल की हत्या हुई थी तो उस टाइम में मैं बेड पर था। आप खुद घायल अवस्था में? घायल अवस्था में थे, लेकिन एसपी साहब का हम धन्यवाद कहेंगे, नवीन चंद्र झा जी का, जे अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, केस का अपना रफा दफा करवा कर और एथी करके और चल रहे थे रोड पर, लेकिन एसपी साहब ने हमसे मिले और बात किए, उसके बाद में मैं बात बताया, जो अपराधी मेरे हत्या पर मेरे जानलेवा हमला किए थे वहीं अपराधी विपिन अग्रवाल को भी गोली मारे थे। अभी इतना मुझे जानकारी है, उसमें कुछ लोग अरेस्टिंग हुआ और कुछ लोग का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी, उस लोग बचे हुए? हाँ, उसमें जैसे पप्पू बिल्ला एगो है, वो अरेस्टिंग में नहीं है, विवेक सिंह एगो है, वो अरेस्टिंग में नहीं है, प्रदीप सिंह है, वो अरेस्टिंग से में नहीं है, बाकी और लोग अरेस्टिंग हुआ है। अरेस्ट हो चुके हैं जी। उन लोगों का नाम है जी, केस में मैं बाई नेम 9 आदमी का नाम दिया था, जिसमें इन लोगों का अभी तक नहीं हुआ। जी, जिसमें 2 अज्ञात दिया था और 7 नामजद किया था। उनके परिवार के लोगों से जानते हैं कि किस तरह की स्थिति हुई थी और अभी उसमें क्या परिणति हुई है, क्या हुआ है आज? बहुत दुखद घटना है ये। वो विपिन बाबू का लड़का था जो मेरे पवलोई थे, वो मेरा भाजा था, आप प्रशासन कल वो एसपी साहब से मिलने गया, एसपी साहब उनसे मिले नहीं, उसके स्टेनी साहब ने क्या कहा नहीं कहा, वो आकर यहाँ पर आत्महत्या की कोशिश की, उसने आत्महत्या की कोशिश कर ली और इस कोशिश के परिणति के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई उसकी? वो छत पर से कूद के जान दे दिया।